अनाज मंडियों में इन दिनों चल रही व्यापारियों की हड़ताल के बाद अब मंडी समितियों के अधिकारी कर्मचारी भी आंदोलन की राह इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को अपना रुख साफ करते हुए मंडी कर्मचारियों ने सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मंडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होने की जानकारी कलेक्टर और एसपी को दी। इस हड़ताल से जहां शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा तो वहीं किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में कपास खरीदी शुरू हुई है जो हड़ताल से प्रभावित होगी। मंडी सचिव ठाकुर ने बताया कि 16 सितंबर से लंबित मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बाद 18 सितंबर से जिले की सभी 9 मंडियों के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। संघर्ष मोर्चा भोपाल के द्वारा जो हमारी लंबित मांगे हैं उन मांगों के पूरा नहीं होने से हम लोग 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, एसपी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। जिले की सभी मंडियों की तरफ से हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या मांगे क्या है? हमारी पुरानी मांगे हैं, हमारे शासन में हमको जो है मंडी बोर्ड में दो अलग अलग वर्ग बना रखे हैं तो उनको एक वर्ग में शामिल कर दें, मंडी बोर्ड और मंडी समिति। मुख्य मांग ये है और अन्य मांगे भी है जो शासन स्तर पर काफ़ी समय से आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। तो इसके लिए हम जी 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हो, यदि मांगों का निराकरण नहीं होता है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? आप हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और मंडियों में सभी मंडियों में अपनी अपनी मंडियों में सभी लोग अपना हड़ताल करके मंडियों का कामकाज बंद रखेंगे। जैसे कपास मंडी शुरू हुई तो जी इसमें किसान आएंगे तो सर किसानों को भी हम लोग सूचना भेजेंगे, पेपर के माध्यम से भी देंगे और आप लोगों के माध्यम से भी किसानों को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराएंगे। हमारी मांगे पूरी होने तक हम लोग मंडी का कार्य हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हमारी मांगों के निराकरण के लिए। लक्ष्मण सिंह ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।